फाइनली होंडा किसी नए लॉन्च के साथ में आ रहा है और लोअर स्कर्ट शू है ये भी पार्ट नहीं है तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है, मिलेगा ही मिलेगा। ये जो कलर कॉम्बिनेशन है लग्जरी कार्स में आता है। हिंदी में एक कहावत है, जब जागो तब सवेरा। फाइनली होंडा जो है एलिवेट के साथ में मार्केट में आ चुकी है। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए थोड़ा सा लेट है, लेकिन मैं बोलूँगी कि जब भी आ रहे हैं अच्छी चीज़ के साथ में आ रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट के साथ में आ रहे हैं। आप देख ही सकते हैं फ्रंट में इसका जो लुक है, इसका जो स्टांस है वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही इम्प्रेसिव जो है इसका डिज़ाइन लाइन है। मैंने जब ये लॉन्च हुई थी मीडिया ड्राइव में या मीडिया लॉन्च में इसका जब बॉक्सी डिज़ाइन देखा था तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी कि फाइनली होंडा किसी नए लॉन्च के साथ में आ रहा है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन के साथ में आ रहा है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सेल्टॉस है, क्रेटा है, कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। और यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आप जो लेकर आ रहे हैं वो क्यों खास है, उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें एक एक्स्ट्रा दे सकते हैं। और होंडा जाना चाहता है अपनी रिलायबिलिटी के लिए, इंजन रिलायबिलिटी के लिए। सो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस ऑटो लॉक्स में, और बिना देरी के इसका वॉक अराउंड हम करते हैं स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि इसके अंदर आपको चार वेरिएंट्स मिलने वाले हैं, एंड इसके अंदर आपको दो जो है ट्रांसमिशंस मिलेंगे, एक मैनुअल एंड एक ऑटोमेटिक, जो कि आपको CVT इसके अंदर मिलने वाला है, एक मैनुअल आपको मिलने वाला है। एंड इंजन जो है वो सिर्फ इसके अंदर एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो कि प्रूवन इंजन इसके अंदर आपको मिलने वाला है, जो कि होंडा सिटी में आपको मिलता था 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा, जो कि प्रोड्यूस करेगा 121 PS के साथ में 145 Nm टॉर्क। आप मतलब मैं अगर और कुछ की चीज़ों के बारे में बात करूं तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी इंजन के रिलायबिलिटी के लिए, क्योंकि ये इंजन जो है काफ़ी पॉपुलर है होंडा सिटी में। लोग लाइक पीपल स्वेयर बाय विद दिस इंजन, एंड आपको अंदाज़ा होगा जिसने भी आज तक होंडा सिटी यूज़ किया है, दे नो कि इसका जो रीसेल वैल्यू है, जो इसकी यू नो 8-9 साल तक की वारंटी भी दी है, तो वो क्यों दी है, क्योंकि आप 10 साल तक टेंशन फ्री होकर इस इंजन को यूज़ कर सकते हैं, कुछ नहीं बिगड़ना है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ एक मिलती है, स्मूथनेस जो है वो मिलती है, और उसी के साथ में दो ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर मिलेंगे। ऑटोमेटिक आपको टॉप 3 वेरिएंट्स में मिलेंगे, और लोअर वेरिएंट में सिर्फ मैनुअल ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। कलर ऑप्शंस यहाँ पर बहुत सारे हैं, सबसे अच्छी बात है इतने सुंदर सुंदर कलर हैं इसके अंदर। 7 आपको यहाँ पर मोनोटोन मिलेंगे, और डुअल टोन में आपको 3 कलर्स मिलते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। साथ ही साथ जो डुअल टोन है वो सिर्फ ऑटोमेटिक में आपको मिलने वाले हैं टॉप वेरिएंट में। तो ये था कलर कॉम्बिनेशन इंजन के बारे में, और अब बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में कि फीचर्स में क्या क्या ऐड ऑन हुआ है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट का जो ये स्टांस है, जो ग्रिल है, वो बहुत ही प्रोमिनेंट लग रही है। नो डाउट सेल्टॉस की भी काफ़ी प्रोमिनेंट लगती है, बट यहाँ पर आप देखेंगे जो बोनट का साइज़ है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू सेल्टॉस, क्योंकि इसकी लेंथ जो है सेल्टॉस से कम है, लेकिन इसका केबिन सेल्टॉस से ज़्यादा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा आपको लोगो मिल जाता है होंडा का एलिवेट की यहाँ पे नीचे, इट्स नॉट बैजिंग। बट मैं आपको बता देना चाहती हूँ इस कार के अंदर काफ़ी सारी एक्सेसरीज एड ऑन की गई है। लाइक मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, जो ये क्रोम है ये एड ऑन है, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस कार, ये एक्सेसरी का पार्ट है। नीचे आप ये साइड स्कर्ट्स देख रहे हैं, ये लोअर स्कर्ट्स जो है ये भी पार्ट नहीं है। साइड में जो क्रोम फिनिशिंग है, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कार, ये आपको एक्सेसरी का पार्ट है जो इसके अंदर फिट किया हुआ है। यहाँ हम हेडलैम्प्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिलेंगे, नीचे फॉग लैम्प आपको मिलते हैं, एंड इस टाइप का इसका फ्रंट लुक मिलने वाला है। क्रोम फिनिशिंग आपको नीचे मिल जाती है, ये कार का पार्ट है तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है, मिलेगा ही मिलेगा। एंड ब्लैक और वाइट का ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत इसको बना रहा है, स्पोर्टियर भी बना रहा है साथ ही साथ। आप देख सकते हैं साइड से काफ़ी स्पोर्टियर लुक आ रहा है। अलॉयज बहुत अमेजिंग लग रहे हैं, अलॉयज बहुत ही प्रोमिनेंट लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। सो इस टाइप का इसका साइड स्टांस आ जाता है, यहाँ पे आपको पूरी क्लैडिंग मिल जाती है, और व्हील आर्च देख सकते हैं आप कितना अच्छा दिख रहा है। 17 इंचेस के यहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय मिलेंगे, टॉप जो आपको वेरिएंट है उसके अंदर मिलते हैं, और बिथ स्टोन के यहाँ पे टायर आपको मिलेंगे। ORVM आपको डुअल टोन में मिलेगा, इस टाइप का आपको ORVM मिल जाता है। अब मैं साइड में बात कर लेती हूँ, नीचे की तरफ जो स्कर्टिंग देख रहे हैं, ये स्कर्टिंग पूरा बम्पर वाली स्कर्टिंग का ही पार्ट है, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है। एलिवेट की जो बैजिंग आप ये देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सेसरी। तो मैं जो जो भी एक्सेसरी है वो हाथ के हाथ आपको बता रही हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको ये ना लगे कि यार हमने वीडियो में ये देखा था बट अब ये वाली गाड़ी में तो आ नहीं रहा है, तो आप बाद में जाके डीलर्स को परेशान ना करें कि ये चीज़ हमने देखी थी और वो नहीं मिली है। यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि ये न्यू कार है
और अभी लॉन्च के लिए आई है तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बैजिंग आपको ये पूरा स्टिकर्स मिलेंगे। यहाँ पे विंडो वाइजर्स आपको मिल जाएंगे जो कि पार्ट है कार का, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे पीछे जो आप ये डिज़ाइन पूरा देख रहे हैं ये एक्सेसरी का पार्ट है और ये पूरा क्रोम वगैरह है, ये कार का ही पार्ट है। तो मैं आपको हाथ सिंपल है आपको लगातार बताई जा रही हूँ। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 220 mm का है, काफ़ी एम्पल है, काफ़ी अच्छा है। आप अगर कितनी भी बुरी रोड पर जाएँ आपको यहाँ पर कार में वो एक एंगजाइटी नहीं होने वाली है, और इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा भी है क्योंकि बाकी ब्रांड्स ने मेंशन नहीं किया हुआ, एम्पल बोलते हैं बट यहाँ पर मेंशनड है। और उसी के साथ में जो इसका व्हील बेस है वो 2650 है जबकि सेल्टोस का 2610 है। तो आपको अंदर जो केबिन है वो 40 mm ज़्यादा इसके अंदर मिलने वाला है, मतलब आपको रूम ज़्यादा मिलेगा। पीछे चलते हैं, आ जाते हैं पीछे, ये पूरी जो आपको इंटीग्रेटेड टेल लैंप्स है ये इसके अंदर मिलेगी। ये मुझे कहीं ना कहीं टाइगन वाली फीलिंग दे रही है क्योंकि वैसे ही टाइप का डिज़ाइन इसका आ रहा है। एलिवेट की बैजिंग आपको मिल जाएगी, IVTEC का ये टॉप वेरिएंट है तो इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे फीचर आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाएगा, स्टॉप लैम्प मिल जाएगा एंड शार्क फिन एंटीना भी यहाँ पर अवेलेबल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रियर व्यू कैमरा मिल जाता है। पीछे आप देखेंगे जो ये एग्जॉस्ट का वाला जो डिज़ाइन दिया गया है, दिस इज़ नॉट एग्जॉस्ट बट ये ऐसा दिखाया गया है पीछे लोअर बम्पर के अंदर, ये भी एक्सेसरी का पार्ट है, कार में नहीं आएगा। सो पीछे का लुक ऐसा आता है। अब इसका बूट स्पेस चेक कर लेते हैं। जी बूट स्पेस देख लेते हैं, तो ये है 458 लीटर, और इसको आप जो है स्प्लिट भी कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं इसको। अंदर आप देखिए ना, ये पूरा ये लगा हुआ है, ये आएगा नहीं, ये आप मत सोचिए कि इसका पार्ट है, दिस इज़ पार्ट ऑफ एक्सेसरी। और ये बहुत अच्छे से लगाया हुआ है ताकि इसको साफ़ भी करना हो तो आप कर सकें, क्योंकि मेरी कार अगर आप देख लेंगे तो ओ गॉड इतनी गंदी रहती है और उसे क्लीन करने के डर से मैं उसे क्लीन ही नहीं करती हूँ। बट अगर आपने इस टाइप का अगर कुछ लगवा रखा है, मैटिंग्स हैं, तो वो साफ़ करने में थोड़ी ईजी हो जाती है। और काफ़ी अच्छी स्पेशियस इसका बूट स्पेस है, अगर आप कंपेयर करेंगे सेल्टोस से तो उससे ज़्यादा यहाँ पर आपको बूट स्पेस मिलता है। यहाँ पे पार्सल ट्रे भी आपको मिल जाती है एंड इस टाइप का रियर आपको दिखाई दे। जी अंदर आ जाते हैं, आपको दिख ही रहा होगा। अच्छा मैं बैठने से पहले दिखा देती हूँ, ये एलिवेट की जो यहाँ पे डोर सिल है, इल्यूमिनेटेड डोर सिल, ये दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कार, ये एक्सेसरी का पार्ट है बट कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगा है। अंदर बहुत ही लग्जरी वाला फीलिंग है क्योंकि मोस्टली ये जो कलर कॉम्बिनेशन है लग्जरी कार्स में आता है, तो यहाँ पर दिया गया है बहुत लाइट कलर नहीं दिया गया है, बहुत डार्क कलर नहीं दिया गया है, तो आपको ख़राब होने का टेंशन नहीं है। लेदर की सिटिंग्स हैं, और अंदर बैठ के देख लेते हैं। जी मैं अंदर बैठ गई हूँ और पहले मैं आपको सिटिंग दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी स्कूप्ड है, तो काफ़ी सारी जगह मुझे मिल रही है, और आराम से अगर मैं पैर फैला के बैठूँ तो आप देख सकते हैं स्पेस काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पे एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं। सिटिंग मुझे लग रहा है बीच में आराम से कोई नहीं बैठ पाएगा क्योंकि ये थोड़ी सी ऊंची उठी हुई है, क्योंकि जब फ्लैट पूरा रहता है तो इजी रहता है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि ऊंची होने की वजह से बीच में जो बैठेगा ना उसे ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं होने वाला, बच्चा बैठ सकता है बट क्योंकि हम्प भी अच्छा खासा है इसमें, हम्प भी है। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आर्मरेस्ट हो गया। तो कुल मिला के कंपनी ने ना देखिए 3 आर्मरेस्ट भी नहीं दिए हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ 2 जनों के लिए सिटिंग है। इवन इसका जो थाई सपोर्ट है वो भी काफ़ी ठीक है, मुझसे लंबे लोगों के लिए हो सकता है थोड़ी छोटी हो, लेकिन मेरे लिए इट्स सफिशिएंट। तो यहाँ पे इस टाइप का इंटीरियर मिल जाता है। सनरूफ जो है पैनोरामिक नहीं है, ऑफकोर्स अब सेल्टोस में पैनोरामिक आ गया है, बट आप बोलेंगे कि अब उसका है, बट ठीक है। मैंने जैसे कहा कि कार में और काफ़ी सारी खूबियों की ज़रूरत होती है, आपको जो इंजन का मज़ा आने वाला है वो डेफिनेटली आपको सेल्टोस में नहीं आएगा। अगर बात करें रिलायबिलिटी की बात करें तो वो सेल्टोस में नहीं मिलेगा जो आपको इसके अंदर मिलेगा, आपको GT लाइन पे जाना पड़ेगा अगर आपको इंजॉय करना है उसके इंजन का। तो इस टाइप का जो है इसके अंदर सनरूफ मिलता है, यहाँ पे इस टाइप का, यहाँ मैं देख लेती हूँ, यहाँ पे 12 वॉट का सॉकेट है, मतलब आप देखिए कि यहाँ पर कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है, 12 वॉट का सॉकेट दिया है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी शिकायत है क्योंकि यहाँ पे आपको सी टाइप चार्जर या कुछ देना चाहिए था। स्पीकर्स आपको दिख जाएंगे, ट्विटर्स वगैरह स्पीकर सारे यहाँ पर है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो कप होल्डर्स हैं या बॉटल होल्डर्स हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो एक छोटी और बड़ी बॉटल दोनों आप कैरी कर सकते हैं। आते हैं फ्रंट की तरफ, फ्रंट देख लेते हैं। फ्रंट में यहाँ पर सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे, लेदर की फिनिशिंग है, यहाँ पर थोड़ा स्पॉन्जी है एंड इधर थोड़ा सा स्पेस है कुछ सामान वगैरह डालने के लिए, जिसमें मैं टिशू डस्टबिन की तरह यूज़ करती हूँ इस एरिया को। एंड यहाँ पे स्पीकर आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल आराम से आ जाएगी, यहाँ पे स्पेस है। तो एलिवेट की बैचिंग वही मैंने बताया, इट्स पार्ट ऑफ एक्सेसरी। अंदर देख लेते हैं, तो अंदर आप देख सकते हैं ये मैनुअली है सारा, इलेक्ट्रिक नहीं है कोई भी, आप सेटिंग देख सकते हैं, ड्राइवर को ड्राइवर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं मिलेगी, लेकिन सेटिंग देखिए आप कितनी अमेजिंग है।
सिटिंग कितनी कुशनी है, स्पोर्टी लुक आ रहा है इसका, द डिज़ाइन आप देख सकते हैं, इसके बोसे सीखी है, मतलब बहुत ही यू नो कमाल की कंफर्टेबल होने वाली है ये। हेडरेस्ट भी जो है वो एडजस्टेबल है, तो ये काफ़ी कमाल का इसके अंदर फील होने वाला है। मोस्टली आप देखेंगे आपको लगेगा कि यहाँ पे फीचर्स की थोड़ी सी कमी है, बट होंडा हमेशा से थोड़ा सा फीचर्स को लेके इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं रहा है, रिलायबिलिटी को लेकर, कंफर्ट को लेकर ज़्यादा अग्रेसिव रहा है। अंदर चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ इन्वॉल्व वन का स्पार्क। तीन जो परफ्यूम है जो इस रेंज में है, ये वाली जो रेंज है इसके अंदर आते हैं, जो कि है पहला मस्क, दूसरा है स्पार्क एंड तीसरा है फ्रेंच वुड। ये सबसे ज़्यादा सेल आउट होते हैं एंड ये मस्कुलिन थोड़ा सा इसका जो फील है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है मस्कुलिन है और ज़्यादा मेल्स को अट्रैक्ट करती है। काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है, सूदिंग फ्रेग्रेंस है। ये 45-60 डेज चल जाता है एंड आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ से नॉब भी है तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको आप अगर स्मॉल अगर ओपन कर रहे हैं, थोड़ा सा फॉइल हटा रहे हैं, तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो आप अगर इसे परचेस करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करिए और जाके परचेस करिए। अगर आप मिस ऑटोलॉक्स का कूपन कोड लगाते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो जल्दी से जाइए और खरीदिए। तो यहाँ पे आपको लेदर रैप्ड पूरा स्टीयरिंग मिल जाता है, यहाँ पे लोगो आपको मिलता है एंड फ्लैट बॉटम नहीं है ऑफकोर्स। यहाँ पे सारे कंट्रोल्स मिलेंगे, क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल रहा है एंड इस टाइप का आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। टिल्टेड एंड टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पर जो स्टीयरिंग है वो मिलता है एंड ये ज़रूरी भी है क्योंकि हाइट टू हाइट भी डिपेंड करता है, कई बार लोगों को नहीं कंफर्टेबल रहता है, उनको पास में थोड़ा चाहिए होता है तो दे कैन इजीली डू। फ्रंट में आप देख सकते हैं 7 इंचेस की आपको यहाँ पे TFT स्क्रीन मिलती है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बहुत ही अलग दिखाई दे रहा है। ADAS के फीचर हैं इसके अंदर जो मैं आपको बताना भूल गई थी, यहाँ पे ADAS के फीचर आपको मिलते हैं सारे, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और उसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ADAS देना ही पड़ेगा क्योंकि इस सेगमेंट की जितनी भी कार्स हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ही एक्टिव है। तो आप फ्रंट में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ भी अगर चेक करना है, स्पीड टाइम, जी मीटर बहुत अच्छा जो है यहाँ पे फीचर है, सेफ्टी सपोर्ट एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है देखिए ज़रा, कॉलेजन मिटिगेशन ब्रेकिंग आपको यहाँ पे मिलता है एंड सारा हैंडी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, टफ नहीं है कि आप कैसे करेंगे। पार्किंग सेंसर सिस्टम, रोड डिपार्चर मिटिगेशन हो गया, तो दीज आर पार्ट ऑफ आपका ADAS। सेटिंग्स में जाएं, कस्टमाइज डिस्प्ले आप कर सकते हैं, तो इस टाइप का आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर 10 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पर मिल रहा है, जिसके अंदर एक बार चेक करते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर स्विचेस हैं, मुझे स्विचेस बहुत पसंद है क्योंकि हैंडी रहते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एज अ ड्राइवर मुझे काफ़ी हैंडी हो रहा है ये, काफ़ी ऊपर की तरफ है तो फ्लोटिंग जो है स्क्रीन है तो मुझे काफ़ी ये अच्छी लगी। तो इस टाइप की यहाँ पे स्क्रीन आपको मिल जाती है, सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। सनरूफ मैं दिखा देती हूँ, सनरूफ इस टाइप का आपको मिलेगा, दैट इज़ इलेक्ट्रिक सनरूफ, आपको पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे नहीं मिलेगा। AC आपको इस टाइप का मिल जाता है। यहाँ पे वुडन टच इन्होंने दिया गया है इंटीरियर में एंड इसका जो ये आपको लगेगा कि ये लेदर है, बट दिस इज़ नॉट लेदर, दिस इज़ प्लास्टिक। तो यहाँ पे आपको जो है ये थोड़ा सा वुडन टच आप देख सकते हैं वो मिलता है एंड यहाँ पर आपको लेदर का फिनिशिंग मिलती है, स्टिचिंग मिलती है। AC आप देख सकते हैं, सारे कंट्रोल्स नीचे आपको हैं, ऑटो AC इसके अंदर है। यहाँ आपको मिलता है वायरलेस चार्जर, यहाँ पे USB पोर्ट्स हैं, बट अभी भी सी टाइप नहीं है। अब देखें सी टाइप नहीं रखा है इन्होंने, क्योंकि सी टाइप इज़ मस्ट, एक सी टाइप और एक USB आप रख सकते हैं, बट ठीक है। यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, यहाँ ये एक चीज़ जो है इन्होंने शायद हटा दिए, ये फ्रंट व्हील ड्राइव है मैं बता देना चाहती हूँ, तो यहाँ पे आई थिंक किसी चीज़ के लिए इन्होंने रखने की कोशिश की थी, नहीं है यहाँ पर। एंड ऑटो पार्क का भी नहीं है यहाँ पे ऑप्शन। इस टाइप का आपको गेयर बॉक्स मिल जाता है, इधर मैन्युअली यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे फीचर्स की बहुत कमी है अगर कंपटीशन से कंपेयर करें तो। यहाँ पे IRVM आपको ऑटो IRVM मिल रहा है थैंकफुली, क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ पे आपको छोटा सा एक ग्लव बॉक्स मिलता है और सिटिंग मुझे काफ़ी पसंद आई, कम्फर्टेबल है। नीचे देख लेते हैं, इस टाइप का इसका ग्लव बॉक्स आता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ज़्यादा बहुत सारे फीचर यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल है। तो हमने फीचर्स की तो सारी बात कर ली, बट सेफ्टी के बारे में भी बात कर ले। तो यहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे, उसी के साथ में यहाँ पर आपको ABS प्लस EBD मिल रहा है, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल रहा है, हिल होल्ड असिस्ट मिल रहा है, यहाँ पर आपको मल्टी एंगल जो है कैमरा मिल रहा है, यहाँ पे आपको रियर पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो इसके अंदर है, क्रूज कंट्रोल मिल रहा है एंड ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने दी है। बट आप बात कर लेते हैं, क्योंकि कंपैरिजन बहुत टफ है,
प्राइस अभी तक आई नहीं है, 4 तारीख को प्राइस जो है रिवील होगी, बट थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर प्राइस बहुत अच्छी दे दी गई तो ये कार बहुत अमेजिंगली जाने वाली है, क्योंकि इंजन रिलायबिलिटी आपके सर्विसिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है कार के लिए। हो सकता है ADAS के फीचर आप रेगुलर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हो सकता है एक बार सनरूफ आप रेगुलर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हो सकता है और इतने गिमिक और इतना इंटीरियर आप नहीं कर रहे हैं, बट इंजन अगर अच्छा नहीं है, सर्विसिंग अच्छी नहीं है, तो कोई भी कार अच्छी नहीं है। सो आपको यहाँ पर सेफ्टी पूरी मिल रही है, सारी चीज़ इन्होंने जो ज़रूरी थी वो दी है, लेकिन अगर प्राइस जो है ज़्यादा होता है तो यहाँ पर लोग जो है डेफिनेटली कंपैरिजन करेंगे और सेल्टॉस की तरफ जाएंगे या फिर क्रेटा की तरफ जाएंगे। सो आपको अब वी शुड वेट कि इसका प्राइसिंग क्या होता है। अगर ये 10-11 लाख से स्टार्ट हो जाती है तो इट विल वर्क, बट अगर ये बहुत महंगी आती है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक तो इंजन ऑप्शंस बहुत कम है, ट्रांसमिशंस के ऑप्शन बहुत कम है, यहाँ पर आपको सिर्फ ऑटोमेटिक CVT और मैनुअल मिल रहा है, जबकि बाकी जितने ब्रांड है DCT भी दे रहे हैं, आपका ऑटोमेटिक भी दे रहे हैं, IMT भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। सो वहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिशन हाई हो जाता है। सो लेट्स प्रे कि अच्छा इसका प्राइस आए एंड इट विल वर्क गुड। कार बहुत अच्छी है मेरे अकॉर्डिंग, इसका जो प्राइस है 11 लाख से स्टार्ट होना चाहिए, 10-11 लाख से स्टार्ट होना चाहिए। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस कार कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको क्या लगता है कितना वर्क करेगी। और इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा है, स्पेशियस भी है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। कोई भी अगर आपकी इंक्वायरी हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, और नीचे अगर आपको ये कार देखनी है तो शोरूम का डिटेल नीचे है, आप जाके चेक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर आके एक बार कार को देख सकते हैं। बाय।